हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रूडोल्फ का क्वेश्चन नंबर 1.21। ये क्वेश्चन मैं दो तरह से करूंगा, साथ के साथ, एक ग्राफिकल मेथड, एक कैलकुलस के मेथड से। और ये क्वेश्चन अच्छा बहुत है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कैलकुलेट करी गई है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एट द मोमेंट इक्वल टू जीरो, ए पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन एंड मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इट्स वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम एज वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 - t/tau, वेर वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर whose modulus is equal to v naught 10 centimeter per second, tau is equal to 5 second. Find x coordinate of the particle at the moment t is equal to 6 second, 10 second and 20 second. Second part, the moment of the time when the particle is at 10 centimeter from the origin. Achha part hai ye. C part, the distances covered by the particle during the first 4 second and 8 second. एंड ड्रॉ अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ पोजिशन वर्सेज टाइम। सो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, साथ के साथ मैंने क्या बोला, ग्राफिकल मैथड से भी, और मैं सॉल्व करूंगा इसको किससे, मैं सॉल्व करूंगा इसको कैलकुलस के मैथड से भी। तो देखिए यहां पर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, किसका, वेलॉसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ का, जो ये इक्वेशन दी है उसी का। तो इस इक्वेशन में क्या बोला था, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 - t/tau, tau की वैल्यू 5 थी, v नॉट था 10, तो v इज इक्वल टू आ गया 10 1 - t/5, मतलब इंटरसेप्ट 10 है, स्लोप -2 है। ये स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका इंटरसेप्ट देखिए 10 है और स्लोप इसका -2 है। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे यहाँ है, 10 सेकंड पे यहाँ है, 15 सेकंड पे इस तरह है, 20 पे इस तरह है। अब इन्होंने बोला है आप इसकी पोजिशन बताइए 6 पर, आप इसकी पोजिशन बताइए 10 पर, आप इसकी पोजीशन बताइए 20 पर। तो देखो अगर पोजीशन निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का मतलब होता है आप v dt कर दीजिए 0 से लेके t सेकंड तक, तो ये आ जाएगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डेल्टा r। अब आप 0 से अगर आप इसको 5 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 5 आएगा, 6 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 6 तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 0 से लेके 10 तक इंटीग्रेट करेंगे 10 तक का आ जाएगा, 20 से 20 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 20 तक का आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के मेथड से आप पोजीशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे, अगर मुझसे बोला गया 6 सेकंड पर तो इसका मतलब मुझे इसका एरिया निकालना होगा 0 टू 6 सेकंड। अब देखो 6 सेकंड पे, इसकी 6 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी -2, रख के देखिए आप 6 रखिए तो क्या आएगी, -2 वेलोसिटी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी -2 वेलोसिटी। तो अगर इस पोर्शन का एरिया मुझे निकालना हो, इस पोर्शन का एरिया जो ये मैं अब शेड कर रहा हूं इस पोर्शन का, तो इस पोर्शन का एरिया क्या आएगा, इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो 1 × 2/2, 1 यूनिट आ जाएगा इसका एरिया। अब इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 × 5/2, ये क्या जाएगा 50/2 मतलब 25। तो अगर मैं इस बात जो कर रहा हूं यहां पर, क्या बात है यहां पर कि 6 सेकंड पे पोजीशन कितनी होगी तो 24 होगी, 5 सेकंड पे जब इसकी वेलोसिटी 0 है तब इसकी पोजीशन कितनी है 25 है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे अगर चल रहा है पार्टिकल, ये स्ट्रेट लाइन पे अगर पार्टिकल चल रहा है तो t इज इक्वल टू 0 मान लो यहां पे था, 0 पे था, t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 पे था, तो t इज इक्वल टू ये 5 पर यहां पे था, t इज इक्वल टू ये 5 है, t इज इक्वल टू 5 पर ये यहां पे था, इस समय इसकी पोजीशन कितनी है 25, ये 25 इसकी पोजीशन है, ठीक है ऐसे। अब t इज इक्वल टू 6 पर ये यहां वापस आ रहा है, यहां आ रहा है, तो अब ये 1 चलाया इस तरफ, तो यहां पे अभी इसकी पोजीशन कितनी है 24, तो 6 पे पोजीशन कितनी है 25 और ये 1, मतलब दोनों का एरिया विद साइन जोड़ देंगे 25 और -1 तो क्या आ जाएगा 24। तो 6 पर इसकी पोजीशन कितनी है 24, इसकी पोजीशन कितनी है 24। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पहला 6 पे जो पोजीशन होगी इसकी वो हो जाएगी 24, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 10 सेकंड पे क्या होगा, 10 सेकंड पे मतलब यहां तक का एरिया निकालना मुझे, ये पूरा एरिया देखना है, ठीक है। तो मैं पूरा एरिया निकालूं तो जितना ऊपर का एरिया उतना नीचे का एरिया होगा, तो ये भी 25 होगा, तो कैंसिल होकर 0 जाएगा, मतलब 10 सेकंड पे पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा फिर से यहाँ पे, फिर यहीं पर आ जाएगा 10 सेकंड पे, फिर पार्टिकल यहीं पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड पे सॉरी x इज इक्वल टू 10 सेकंड करें, ये x इज इक्वल टू हो गया 0, टाइम यहाँ पर 10 सेकंड है, ये x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे टाइम अभी क्या है 10 सेकंड है, तो t इज इक्वल टू कितना दिया 10 सेकंड पे यहाँ पे वापसी आ गया। अब इन्होंने बोला 20 पे कितना होगा, तो अगर मुझे 20 पे निकालना होगा तो ये पूरा एरिया निकालना होगा, ये पूरा एरिया निकालना होगा यहाँ से यहाँ तक का और ऊपर तक का एरिया, तो पूरा एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहां तक का 15 है, ये है 30, तो ये एरिया लिखेंगे तो क्या आएगा 15 × 30
डिवाइड बाई टू, तो ये आएगा आपका 225, 225 और ऊपर का 25, तो ये आ गया कितना 200, मतलब आपका आएगा माइनस का 200, मतलब माइनस का 2 मीटर। तो ये पार्टिकल यहाँ कहीं इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे कहीं यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो ये पार्टिकल इस जगह पे आ जाएगा। ये लोकेशन है पार्टिकल की, अभी अभी की लोकेशन ये है। तो ये है 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके दो तीन आंसर हुए क्या, 10 सेकंड पे इसकी पोजीशन कितनी है, जीरो। और आपका जो ये अगला वाला पोर्शन क्या था, 20 पे कितनी पोजीशन है इसकी, 20 पे इसकी पोजीशन है 2 मीटर। तो ये आंसर हो जाएंगे, कुछ कुछ बुक में 4 मीटर आंसर दिया है, गलत है, 2 मीटर होगी, मतलब माइनस की, तो इस साइड 2 मीटर होगी। अब अगला पार्ट आपसे जो पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बोला गया है कब पार्टिकल तुम्हारा 10 पर होगा, पार्टिकल कब तुम्हारा 10 पर होगा, डिस्टेंस ओरिजिन से, डिस्टेंस बोली है, ध्यान से पढ़ना, वहां डिस्टेंस बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ओरिजिन से 10 पे कब होगा, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ओरिजिन से 10 पर होगा, मैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से बताता हूं आपको। वेलोसिटी दे रखी है आपको 10, 1 माइनस टी बाई 5, यही दिया ना वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी को मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके किसी टाइम टी तक के लिए, और होना क्या चाहिए 10, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन मिलेगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन किया, जब ये इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो टाइम आएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, दो टाइम आएंगे, ठीक है। लेकिन वहां डिस्टेंस बोला है, तो इसको हम एक बार प्लस भी लेंगे, एक बार इसको हम माइनस लेंगे। तो प्लस माइनस दो लेंगे, एक बार प्लस लेके करेंगे, माइनस लेके करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल जो टाइम आएंगे वो तीन टाइम आएंगे, तीन टाइम की वैल्यू आएंगी, होना तो चार चाहिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम इग्नोर करेंगे, तो तीन टाइम की वैल्यूज आएंगी, तीन बार वो x इज इक्वल टू 10 की डिस्टेंस पर होगा। अब तुम सोच रहे हो कैसे होगा, आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे होगा। यहां पे देखो क्या है, जब ये पार्टिकल चलना शुरू करता है, तो अभी जो है ये पार्टिकल यहां पर है, t इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 पे है, यहां से चलेगा तो कभी यहां पे आएगा 10 पे होगा, यहां पे 10 पे होगा, वापसी आएगा फिर 10 पर होगा, तो दो टाइम हो गए। तीसरा कैसे पॉसिबल है, डिस्टेंस बोला है, इसलिए ये माइनस साइड में भी तो हो सकता था, इसके बाद तो भागता चला जाएगा, तो वो इमेजिनरी एक अजीब सा आंसर आएगा, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो तीन बार ये x इज इक्वल टू 10 पर होगा, ठीक। अब हम पता करते हैं जरा इसको ग्राफिकल मेथड से, इंटीग्रेशन से तो हमने बता दिया आप कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे जो भी इक्वेशन लिखी, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जरा मैं इसको साफ करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और थोड़ी कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे अभी। मान लो पार्टिकल अभी यहां पे था, यहां पे था, इस जगह पे था, टी पे, तो इस समय के करस्पॉन्डिंग एक वेलोसिटी होगी इसकी, वो निकाल लेंगे। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, इसका एरिया निकाल लूं, और ये एरिया 10 के बराबर कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमारी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, उसके बाद मैं एरिया निकाल के सॉल्व कर लेता हूं। तो ये जो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा इसका, उसी एरिया का, तो उस एरिया को लिखूंगा तो क्या आएगा, 10 माइनस 2t, ये वेलोसिटी हो गई। तो एरिया जब हम लिख रहे थे तो हमने क्या कहा, पैरेलल साइड्स का सम, तो 10 और ये वेलोसिटी का सम, और ये हमारा हो जाएगा टी। तो ये जो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा, यहां पर ये आएगा 10 प्लस 10 पैरल साइड्स का सम इंटू टी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, ये 10 के बराबर होना चाहिए, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं, 10 होना चाहिए। तो ये क्या लिखा जाएगा, 20 माइनस 2t इंटू टी इज इक्वल टू 20, ये आपका आ जाएगा 2t² माइनस 20t प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो वैल्यू यहां पे लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, यहां पर इसको हम सॉल्व करें तो लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस का, यहां पे आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको लिखेंगे माइनस बी, दैट मीन्स 10 प्लस माइनस 20² दैट मीन्स 100 माइनस 4ac दैट मीन्स 40 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी। यहां जब टाइम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा, और यहाँ पे रूट ओवर 60 मिलेगा। रूट ओवर 60 लगभग 7.7 के आसपास होता है,
यहां पे टी की जो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 10 प्लस 7.7 बाई 2 जो कि लगभग 9 के आसपास आएगा, और एक टी जो आएगा लगभग लगभग 1.1 के आसपास आएगा। तो ये दो बार एक्स इज इक्वल टू 10 पर होंगे, पॉजिटिव 10 पे, ठीक है, ये ऐसा आएगा। इसको इंटीग्रेट करते, सॉल्व करते तब भी यही आने वाला है। जरा हम यहां पे आते हैं तो तीसरा टाइम भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। देखो एक्स इज इक्वल टू 0 पे था, 10 पे था, ये 1.1 पर, 1.1 सेकेंड पर ये 10 पर था गया, फिर 10 पर था ये 9 सेकेंड पर। इसका मतलब 0 से इसको यहां जाने में लगता है 1.1 सेकेंड। अभी भी देखो इस तरफ, अभी इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, अभी इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसका मतलब इस तरफ 10 जाने में इसको लगेगा 1.1 सेकेंड, कोई डाउट तो नहीं है। यहां से फर्दर 1.1 सेकेंड लगेगा, और यहां पर ये पार्टिकल था 10 सेकेंड पर, तो इसका मतलब यहां पे और जाने में लगेगा इसको 1.1 सेकेंड, तो 11.1 सेकेंड। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको दोबारा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर से बता देता हूं, देखो यहां से यहां जाने 1.1 सेकंड लगा ना, जीरो से वेलोसिटी गेन करके इतने दूर तक जाने में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, ठीक है ना, तो इसको लगा 1.1 सेकंड। तो अब जब यहां पार्टिकल लौट के आया तब भी रेस्ट पर आ गया था, अब इस तरफ जाना शुरू कर रहा था, तो अब फर्दर भी अगर 10 जाना होगा तो 1.1 सेकंड ही लगेगा, तो फर्दर मतलब किससे, 10 सेकंड के बाद से, तो ये क्या हो जाएगा 11.1 सेकंड। तो यहां पर हमारे पास तीन आंसर होंगे, इसके तीन आंसर कौन कौन से होंगे अब आपको पता चल गया, कौन कौन से आंसर होंगे, एक तो हमारे पास हो गया 9 सेकेंड, एक हो गया हमारे पास 1.1 सेकेंड, और एक हमारे पास टाइम हो गया 11.1 सेकेंड। ये हमारे पास तीन आंसर आ गए, क्लियर है, समझ में आ गया। यही सबसे अच्छा पार्ट था इस क्वेश्चन का, बाकी तो आसान पार्ट थे। अब यहां पे तीसरे पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, तीसरे पार्ट मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टी इन 4 सेकंड एंड 8 सेकंड। अब 4 सेकंड और 8 सेकंड में डिस्टेंस इन्होंने पूछी है, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसको, आइए हम बड़ा फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 सेकंड में डिस्टेंस पूछी है तो आप 4 सेकंड तक का एरिया निकाल लीजिए, 8 सेकंड तक की डिस्टेंस बोलिए तो 8 सेकंड तक का एरिया निकाल लीजिए। अब अगर आप इसको ग्राफ से ना करना चाहते हैं, अगर आप इसको इंटीग्रेट करके करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कैसे, 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो आपको चाहिए कितना पोजीशन है इसका, कितना पोजीशन है इसका, तो आप इसको वी डी टी, बस इन्होंने डिस्टेंस पूछा है, तो 0 से 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा एल, ठीक है, 0 से 4 सेकंड में। लेकिन 0 से 8 सेकंड में कैलकुलेशन होती तो थोड़ा ट्रिकी होती, इंटीग्रेट करके करते तो, क्यों, डिस्टेंस पूछ रहा है, पोजीशन नहीं पूछ रहा है, इससे पहले पोजीशन पूछ रहा था तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे थे, डिस्टेंस पूछ रहा है इसलिए स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, वीडीटी। अब 5 से लेके 8 तक हम दूसरी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, माइनस वीडीटी को इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी और उसको स्पीड बनाना है, पॉजिटिव करना है, इसलिए माइनस लगाएंगे, तो ये ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से ये तरीका हो गया, इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन करने वाला नहीं हूं, मैं ग्राफिकल तरीके से बता रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, मैथ के स्टूडेंट हो, और जो बायो वाले बच्चे देख रहे हैं वो भी इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, ना आए तो कमेंट करके बता देना, मैं इंटीग्रेशन करके बता दूंगा आपको, लेकिन आप कर लोगे, समझ में आ गया, क्योंकि हमने, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होता है स्पीड का इंटीग्रेशन, तो 0 से लेके 5 तक स्पीड पॉजिटिव है, 5 से लेके 8 तक 10 तक जो भी आगे नेगेटिव है, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, स्पीड बनाना है पॉजिटिव, तब 4 तक चाहिए था, तो आपको पता है यहाँ पे 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 रखोगे यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 2, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 2, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 2, 2 हो जाएगी, तो पैरेलल साइड्स का सम 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये आएगा आपका एरिया, ये क्या आएगा एरिया, 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 6, 6 इंटू 4 मतलब 24, तो डिस्टेंस आ जाएगी 24 मीटर, तो 24 मीटर डिस्टेंस आएगी। अब आपको 8 तक चाहिए, 8 तक चाहिए, तो 5 तक का हो गया 25 आपका, अभी निकाला था आपने, अब यहां से यहां तक का 3 का और निकाल लीजिए आप, 3 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6, क्यों, हर एक सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन इसका 2 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 6, तो ये 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 9, तो 25 पहले था, 9 अब हो गया, तो टोटल क्या हो गया डिस्टेंस 34, तो सेकंड पार्ट के लिए जो आंसर आएगा 0 से लेके 8 तक के लिए जो डिस्टेंस आएगा 25 प्लस 9 आएगा,
ये जाएगा 34, डिस्टेंस जाएगा 34। और उस वाले पार्ट के लिए क्या आएगा डिस्टेंस आपका, पहले वाले पार्ट के लिए 4 तक के लिए आएगा आपका 24। क्लियर है? तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको आपको समझाया तो थोड़ा टाइम लेके समझाया जिससे आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। अब यहां पर एक पार्ट और है, पार्ट क्या मतलब, इसी पार्ट में आगे बोला गया इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। तो मैं इसको यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फटाफट। कोई खास बात नहीं है, कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। तो चलिए मैं वही ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ दूसरे कलर से। यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बोला है। देखो ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ करिए जिसका जिसका प्लॉट जो है जिसमें स्लोप नेगेटिव आए, स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन डिक्रीजिंग हो, तो यहाँ पे ऐसा स्लोप बनेगा और यहाँ 5 पे 0 होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे बढ़ के जाएगा, ऐसे बढ़ के जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद स्लोप नेगेटिव रहना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसका मतलब फिर ऐसे, मैंने कोई वैल्यू नहीं रखनी, मैं ऐसे बना दूंगा ऐसे, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा, इसका स्लोप अपना बढ़ता चला जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन के आएगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वैल्यूज मैंने नहीं रखी है, ये मैं सोचना कि इतने पे इतनी पोजीशन होगी, बस ये मैंने ऐसे बना दिया, अप्रोक्सीमेटेड मेशन में ग्राफ बना दिया है। आई होप अब आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा क्या है ये क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, मैंने टाइम ज्यादा लिया है, जानबूझ के ज्यादा लिया है कि आपको समझा दूं दोनों तरीके से, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही रुडोव के और एससी वर्मा के सोल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।